हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं पत्ता गोभी या कैबेज की सब्जी। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे बनाना है और क्या क्या चीज़ें पड़ेंगी। और सबसे पहले आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपने शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अच्छे अच्छे वीडियोस आगे देखने के लिए और उसकी नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करिएगा। और चलिए दिखाते हैं आपको। तो चीज़ें हमें ये चाहिए दोस्तों, मैंने दो मीडियम साइज के प्याज काट लिए हैं, हरी मिर्ची है तीन, ये पुदीना है, ये धनिया है, एक टमाटर है कटे हुए, और आधा किलो पत्ता गोभी है। उसके अलावा मसालों में हमें तेल के अलावा हमें नमक चाहिए, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी। काफ़ी सिंपल वे में बना रहे हैं हम, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले नॉन स्टिकी पैन में हम तेल डालेंगे, तो दोस्तों तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज को और उसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। दोस्तों ये ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें डाल रहे हैं टमाटर और इसको 5-7 मिनट पकाएंगे। दोस्तों थोड़ी देर पकाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली कटे हुए। और ठीक तरह से चलाएंगे उसको और थोड़ी देर और पकाएंगे। थोड़ी देर पकाने के बाद दोस्तों मैं इसमें डालूंगा थोड़ा सा मिक्स पिकल। आप कोई भी पिकल यूज़ कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा अलग अचारी टेस्ट चाहिए तो। ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है, बट मैं डाल रहा हूँ थोड़ा अचारी टेस्ट आने के लिए। एक स्पून मैं मिक्स पिकल डाल रहा हूँ इसमें। अब इसको चलाएंगे और उसके बाद डालेंगे मसाले बाकी के। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ रेड चिली पाउडर, मैं थोड़ा तीखा खाता हूँ तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही डालता हूँ। नमक 1/2 स्पून, धनिया पाउडर 1 स्पून, हल्दी पाउडर 1/2 स्पून। अब इसको हम थोड़ा चलाएंगे और इसमें पानी डालेंगे। फ्लेम मैंने अभी लो पे रखा हुआ है, पानी डालने के बाद उसको हाई फ्लेम पे करूंगा। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, आधा कप। फ्लेम को मैं बढ़ा रहा हूँ। अब इसको चलाएंगे, थोड़ी देर बाद उसमें हम डालेंगे कैबेज मतलब पत्ता गोभी को। अब दोस्तों इसका ऑयल ऊपर की तरफ आ रहा है तो हमारा मसाला ग्रेवी तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा पुदीना डालेंगे, बाकी हम बाद में रखेंगे लास्ट के लिए गार्निश करने के लिए। तो मैं आधा धनिया और आधा पुदीना अभी डाल रहा हूँ, बाकी बाद में डालेंगे, और इसको मिक्स करेंगे। मसाला अब दोस्तों इतना तैयार है कि अब हम उसमें पत्ता गोभी डालने जा रहे हैं जो मैंने वॉश करके काट के रख लिया था आधा किलो। और अब इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि पूरा मसाला उसमें अच्छी तरह से मिल जाए, कुछ इस तरह से नीचे की से ऊपर की तरफ। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा पानी। और दोस्तों इसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसके लिड को बंद कर देंगे 15 से 20 मिनट पकने के लिए। तो दोस्तों इसकी अब लिड खोलते हैं, देखते हैं कैसा बना है। ओ, ये तो पक चुका है, इसको एक बार चलाते हैं। अच्छा बना है, आप लोगों का क्या कहना है देख के बताइए। तो
अब ये पूरी तरह से तैयार है खाने के लिए। बस अब हम इस पे एक लास्ट स्टेप जो हमारा बाकी है, ये दोनों डालना बाकी है, पुदीना और धनिया। तो कैसा बनाया दोस्तों? चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।